सुनने में आता है। सही। एक दरिंदगी की करते हैं, उनको वहीं पकड़ो, उनको वहीं गोली मारो सालों को। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेट। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक होंगे गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे जो स्वैब की मम्मी जो बातें कर रही हैं, जो उन कलकत्ता में जो ये डॉक्टर नर्स के साथ जो केस हुआ है उनके जो उसी को लेकर यहाँ बातें कर रही हैं कि क्या ऐसे लोग को जो माफ़ करना चाहिए या नहीं। तो उसको यहाँ पे जो उनकी मम्मी बता रही हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए था, कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हो रहा है उसको लेकर कलकत्ता में। तो उसको यहाँ पे स्वैब ने जब पूछा तो पर उनके पापा को पूछा तो वही बात सब बोल रहे हैं कि बहुत ही गलत हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, उसी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। और यहाँ पे तो उनके पापा और जो मम्मी भी बोली हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए, और यहाँ पे शुएब भी जो बोले डायरेक्ट उनको मार देना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारी बातें जो शुएब भी यहाँ बताए हैं, तो पब्लिक के सामने जो वीडियो बनाए थे उसको डाले हैं कि क्या कैसे सज़ा देना चाहिए, आज नहीं करे तो फिर कल और किसी के साथ ऐसा घटता है हमारे यहाँ इंडिया में। तो बहुत सारे अलगे जो होते रहते हैं, अगर ऐसी अच्छा मजबूत सज़ा अगर कड़ी सज़ा ना दिए तो फिर वही काम होती है। बहुत सारे जो बच्चियों छोटे बच्चियों पर और बड़े पर बहुत सारे हर रोज़ कुछ ना कुछ रेप होता है। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।